भागलपुर के बरारी गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए काफी संख्या में शिव भक्त गंगा स्नान करने पहुंच रहे हैं। शिव भक्त बरारी गंगा घाट पर आस्था की डुबकी लगाकर कांवर में जल भरकर पैदल बासुकीनाथ धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। शिव भक्त बरारी गंगा घाट से जल भरकर पैदल यात्रा 24 घंटे के भीतर सोमवार के दिन बासुकीनाथ धाम में भगवान भोले को जल अर्पण करेंगे। सारे जो हमारे मित्र हैं आए हुए हैं बरारी घाट, ठीक है, तो बस यहां से जल हम लोग का सारा पूजा पाठ हो चुका है। यहां से जल ढार के हम लोग निकलने वाले हैं बासुकीनाथ बाबा के दरबार पर। कल हमें सुबह में जल जो है का ये कर देना है, पूजा कर देना है। जी बिल्कुल। भागलपुर में अब गंगा का जलस्तर धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन इसके साथ ही निचले इलाकों में कटाव शुरू हो गया है। भागलपुर जिला के सबौर प्रखंड के बाबूपुर में गंगा तेज गति से कटाव कर रही है, जिससे कि गांव के लोग भयभीत नजर आ रहे हैं। बाबूपुर गांव में सैकड़ों एकड़ खेतिहर जमीन कटाव की भेंट चढ़ चुके हैं। कटाव के कारण किसानों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। पूरे हल्का हल्का कट रहा है, बयार बताए तो पूरा से कटता है, जब बयार नहीं चलता है तो कुछ कम कटता है। क्या क्या चीज का सब्जी लगाए थे? सब्जी तो परवल, बोड़ा, भिंडी, बैंगन, फसल तो यहाँ सब किसान सब तरह का लगाता है। हम लगाए हैं परवल, लगाए हैं बैंगन। कितना कटा हुआ फसल? कम से कम 400 एकड़ कट गया है यहाँ सिंगलिस ताल। भागलपुर के सुल्तानगंज थाने इलाके में एनएन इंटरनेशनल स्कूल में रविवार को सीटीईटी की परीक्षा समय पर शुरू नहीं होने और प्रश्न पत्र देर से मिलने पर छात्र छात्राओं ने जमकर बवाल काटा। छात्र छात्राओं ने हंगामा करते हुए परीक्षा को रद्द करने की मांग की। उन्होंने बताया कि रविवार को एनएन इंटरनेशनल स्कूल सुल्तानगंज में सीटीईटी का परीक्षा दो पालियों में हुई। वहीं परीक्षार्थियों का आरोप है कि इसमें पहली पाली की परीक्षा में प्रश्न पत्र एक घंटे विलम्ब से दिया गया, वहीं 11:40 पर ही कॉपी ले ली गई। सेंटर को रद्द करते हुए सभी प्रतिभागी छात्र छात्राओं से परीक्षा लेने को लेकर आवेदन दिया है। छात्र छात्राओं ने कहा कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सीटीईटी के परीक्षा में शामिल छात्र छात्राओं ने कहा कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या चीज का एग्जाम दे रहे थे आप? कहाँ दे रहे थे? क्या हुआ, क्या समस्या हुई? हम लोग का सबसे पहले तो 9:30 से एग्जाम होने वाला था, वहाँ हुआ नहीं, 10:30 स्टार्ट हुआ। ऊपर से 10 रूम में हमको ले जाया गया और हम कॉपी फाड़े भी नहीं है, कॉपी छीना गया हम लोग से, OMR से छीना गया हम लोग। हम लोग क्या करें? क्वेश्चन दिया गया, पता भी नहीं है। में क्वेश्चन मिला था, जो भी बोला गया था कि आप लोग को 2.5 घंटा दिया जाएगा, चाहे क्वेश्चन कभी भी मिले। उसके अनुसार भी हम लोग को क्वेश्चन मिला, जितना देर 1.5 घंटा पहले क्वेश्चन ले लिया गया, और उसके बावजूद भी हम लोग मांगते रह गए, गिड़गिड़ाते रह गए, रिक्वेस्ट करते रह गए, लेकिन नहीं मिला हम लोग को क्वेश्चन। और आज हम लोग अगले बार 1 नंबर के कारण नहीं हुआ, इस बार हम लोग रात भर के पढ़ करके उसके बाद आज आए हुए थे और ऐसा हुआ। एक स्टूडेंट भागलपुर के खंजरपुर स्थित SM कॉलेज रोड में मोमोमिया लव इन एवरी बाइट रेस्टोरेंट का भव्य शुभारंभ भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने फीता काट कर किया। वहीं उद्घाटन आयोजन के दौरान मोमोमिया रेस्टोरेंट के प्रोपराइटर अनमोल कुमार ने मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान शहर के कई गणमान्य शिक्षाविद, समाजसेवी भी उपस्थित थे। गौरतलब हो कि मोमो कंपनी की यह संस्था पूरे भारतवर्ष में कई जगहों पर है। इस रेस्टोरेंट में 100 से अधिक व्यंजन का स्वाद सर्वासी चख सकेंगे। यह रेस्टोरेंट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। वहीं रेस्टोरेंट के प्रबंधक ने बताया कि यह रेस्टोरेंट फैमिली रेस्टोरेंट है। भागलपुर वासियों के लिए यह रेस्टोरेंट एक अलग और अनूठा रेस्टोरेंट है, जहां पूरे परिवार के साथ आकर व्यंजन का लुफ्त उठा सकते हैं। वहीं रेस्टोरेंट के प्रबंधक ने यह भी बताया कि यहां के व्यंजन में आन शुद्धता और क्वालिटी पर खास ध्यान रखा जाएगा। नाम अनमोल कुमार है। मैंने आज मोमो मियाँ का फ्रेंचाइजी आउटलेट भागलपुर में पहली बार खुला है, और ये मोमो मियाँ जो है ये 117 तरह का मोमो तैयार करती है। साथ में चाइनीज आइटम है, सिजलियर है, और बेवरेज है, मॉकटाइल है, उसके साथ कैप
जो आपका मोमोज है, मोस्टली हम लोग फोकस मोमोज पे करते हैं। ये मोमो मियाँ जो है ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है, सेम टेस्ट आपको हर एक आउटलेट पे मिलेगा। और इसके साथ ही जो है ये गुवाहाटी असम की कंपनी है जहाँ से मोमो प्रोड्यूस होता है, जहाँ से ये उभर के आई है, तो वहाँ का ही सेफ हमारे पास है जो कि इसके लिए बहुत ही काबिल है और बहुत बेहतरीन टेस्ट के साथ हम लोग आपकी सेवा के लिए यहाँ पे हैं। तो हम लोगों को क्या अपील करेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगा भागलपुर वासियों से कि वो आए एक बार टेस्ट करें, और एक बार टेस्ट करने के बाद जो हमारा है लव विथ एवरी बाइट, तो वो बार बार हमारे पास आएंगे और इंजॉय करेंगे मोमो को। आज मोमो मियाँ का उद्घाटन का अवसर मिला मुझे, ये बहुत अच्छे जगह पे है और हमारे शहरवासियों के लिए एक नया चीज़ होगा। जो लोग भी सैंडिस कंपाउंड आएंगे घूमने या फिर जो स्कूल कॉलेजों के स्टूडेंट हैं उन लोगों को बहुत पसंद आएगा, नए लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। और कई तरह के मोमोज हमने देखा कि यहाँ पे हैं, तो जिस तरह के मोमोज उनको चाहिए सब तरह के मोमोज यहाँ पर मिलेंगे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इनका जो मोमो मियाँ का शॉप है अच्छे से चले और बहुत ग्रो करें, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा खुले। बहुत बहुत बधाई इनको और बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। मोमोज तो डेफिनेटली बहुत अच्छा था, हम लोग पुराने टेस्ट वाले आदमी हैं लेकिन इस तरह का नया टेस्ट मिल करके बहुत सारी जिज्ञासा जगी है और हमको लगता है कि हम लोग को भी आदत पड़ जाएगा मोमोज खाने का। अगर इस तरह का बढ़िया दुकान खुले, अच्छे से रेस्टोरेंट खुले, तो हमको लगता है भागलपुर शहर आधुनिक और बनता जाएगा और यहाँ के लोग अच्छे स्वाद का आनंद ले सकेंगे। धन्यवाद। भागलपुर जिला अंतर्गत कदवा उपी थाना क्षेत्र के लक्ष्मीनिया कदवा में शुक्रवार की रात गांव के ही एक आशिक मिजाज युवक के सर पर इस काबूत इस कदर चढ़ा कि एक महिला के साथ दुष्कर्म करने के लिए गांव में लगे दो ट्रांसफर की बिजली काट पूरे गांव को अंधेरा कर दिया। उसके बाद घर में सो रही एक महिला के घर में घुसकर युवक ने हथियार का भय दिखाकर जान मारने की धमकी देते हुए उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पीड़ित महिला का पति दरवाजे पर सोया हुआ था। आशंका होने पर जब पति घर गया तो उसने अपनी पत्नी के साथ हम बिस्तर करते युवक को पकड़ लिया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर कदवा उपी थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक लक्ष्मीनिया कदवा निवासी चुल्हाय मंडल के पुत्र अरुण मंडल उर्फ बेंगो मंडल है। प्रीत महिला के लिखित आवेदन पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने मेडिकल जाँच करा, आरोपित युवक को जेल भेज दिया है।